इस वीडियो में बात करेंगे हम रिगार्डिंग सीजीएल 2020 में डबल एओ और जीएसओ का क्या कट ऑफ रह सकती है फाइनल, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। साथ में मैं वैकेंसी के रिगार्डिंग जीएसओ के रिगार्डिंग बात करूंगा, वैकेंसी कहाँ रहती है इसकी कैसे पता करते हैं। इस वीडियो में थोड़ा साउंड का इशू हो सकता है, थोड़ा आपको एयर सुनने को मिल सकता है। मैंने बताया था कि थोड़ा कुछ दिन से मैं हॉस्पिटल में कुछ चक्कर लग रहे हैं, तो वीडियो शूट करते वक्त लोकेशन का थोड़ा इशू हो सकता है, वो आप मैनेज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, 4,600, 2,800, 4,200 के लिए मैंने कट ऑफ डाल दिया है इस पर, आप चैनल पे जाकर देख लेना, मैं उसको पिन कर दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में, उससे भी आप देख लेना। राइट, पहले हम बात करेंगे जीएसओ के रिगार्डिंग। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि जो लोग जीएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हो सीजीएल 21 के लिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट ये वीडियो सेशन तैयार करा गया है। 15 घंटे के अंदर कोशिश किया गया है पूरा निपटाने के लिए, और ये बहुत आसान होता है एक जीएसओ की पोस्ट लेना। 2400 टीए लेना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू जीएसओ की पोस्ट ऑप्ट करना। राइट, और इस बार काफ़ी वैकेंसी नॉर्थ में क्रिएट हुई है, तो होम पोस्टिंग का भी कोई टेंशन है नहीं। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम दे देते हो, अगर 21 में आपका हुआ है तो आप एक जॉब सिक्योर कर लेते हो 4200 ग्रेड पे की। बहुत कुछ है इसके अंदर, प्रीवियस ईयर पेपर है, वीडियो सॉल्यूशन है, और पूरी कोशिश करी गई है कि आपका ज़्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट ना हो। तो इफेक्टिव स्टडी करके ग्रुप है इनका प्लेटफॉर्म, जो जीएसओ सिलेक्टेड कैंडिडेट है वही टॉप रैंकर्स हैं, इनको रन कर रहे हैं, तो आपको बहुत सही गाइडेंस दे सकते हैं, आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ऐप डाउनलोड करके आप टेस्ट या जो भी पैकेज ले सकते हो। पहले हम जीएसओ की बात करते हैं। जीएसओ में जिनका भी लिस्ट 2 में नाम है, आप सारे लोग एलिजिबल हो जीएसओ वाली पोस्ट के लिए। कई लोग मैसेज करते हैं कि सर मेरा ये है वो है, देखो सिंपल सा क्राइटेरिया है कि 12वीं के अंदर आपका मैथमेटिक्स के अंदर 60 नंबर होने चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए जीएसओ के अंदर, जीएसओ के लिए। या तो आप ग्रेजुएशन जो किए हो उसमें आपका किसी एक उसमें ईयर में या सेमेस्टर में आपका स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी और कोई भी ऐसा कोई क्राइटेरिया, दोनों में से कोई एक है तो चल जाएगा आपका। आप अगर ये पेपर स्किप भी करते हो तो अदर पोस्ट के लिए एलिजिबल हो 2400, 2800, 2400, 2600 के लिए, लेकिन आपके मार्क्स उतने होने बहुत ज़रूरी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके लिए एज क्राइटेरिया का भी रहता है, आपको पता है 32 साल इसकी एज है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। कई लोग जो 30 और 32 के रेंज में या 27 से 32 के रेंज में है, जिनके पास 2800 या 2400 का ऑप्शन नहीं रहता है, तो ये पोस्ट काफ़ी सही रहती है उनके लिए भी। देखो तो वैकेंसी कैसे पता करते हैं, आपको गूगल पे टाइप करना है MOSPI, ठीक है, और ये जो आपके ऑफिशियल साइट है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, वहाँ पर आपका वैकेंसी कॉर्नर में जा करके आपको ये कुछ ऐसा दिखता है। ये जो वैकेंसी चार्ट आपको दिखेगी ये हर महीने अपडेट करी जाती है, आप देख पा रहे हो वैकेंसी पोजीशन ऑन 1 जून 2022, अभी आपको जब जुलाई ख़त्म होगा तो जुलाई एज ऑन 1 जुलाई 2022, तो आप जब ये लिस्ट खोलते हो तो आपको इसमें वैकेंसी दिख जाती है चार्ट में अपडेट हो करके। अभी प्रेजेंट में जैसे देखो जीएसओ की एफओडी के अंदर कहाँ कहाँ वैकेंसी, देखो दो तरह की पोस्ट होती है आपकी, एक एफओडी होती है एक नॉन एफओडी होती है। एफओडी जो होता है फील्ड ऑपरेशनल डिवीज़न होता है, ज़्यादातर जीएसओ की पोस्टिंग फील्ड में ही होती है। नॉन एफओडी बहुत लिमिटेड रहती है, ज़्यादातर पीडब्ल्यूडी या फीमेल को एलोकेट करी जाती है और टॉप रैंकर्स उसको घेर लेते हैं। राइट, तो आपको ये मिल जाएगा, तो आपको अभी ये देखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब जब आपका एलोकेशन होगा, मान लेते हैं आज से 8 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, जब भी आपका एलोकेशन होता है उस समय क्या रहेगी स्टेटस, तो उस समय उस मंथ में आप देखोगे आपके लिए बेस्ट रहेगा। राइट, तो आप ये चेक कर सकते हो टाइम टू टाइम। अच्छा, इसमें आपको जो वैकेंसी दिखेगी कुछ ज़्यादा दिखेगी, तो रिपोर्ट यहीं से करी जाती है। अच्छा, मैं लोकेशन का बता दूँ आपको कि जीएसओ में अभी जो 18 से चल रहा है कि जो लोग जो लोकेशन के पास में, मतलब प्रेफरेंस की बिना जरूरत ही नहीं है, काफ़ी वैकेंसी खाली है हर स्टेट में, तो आपको सर्वे ऑफिस में जगह काफ़ी खाली है, तो आपको अपना डिज़ायर स्टेट मिल जाएगा, आपको डिज़ायर लोकेशन भी मिल जाएगी, ऑफिसेस इसकी जेड सिटी के अंदर भी होती हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है लोकेशन का इसको लेकर। राइट, 18 में मिल गया है सबको अपना अपना पोस्टिंग, नहीं तो अगल बगल स्टेट तो मिल ही गया है। राइट, पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड सर्विस शुरू कर दी गई है, कई लोग एनरोल हो रखे हो, टाइमिंग का लोचा फंसेगा बच्चे, कल के बाद मैं बता दूं आपको दोस्तों कि टाइमिंग का इशू बनेगा, क्योंकि कॉल में काफ़ी टाइम इन्वेस्ट होता है, साथ में वीडियोस है, अभी पीडीएफ कंबाइन का काम चल रहा है, बाकी मेरा जॉब का भी चल रहा है, तो कुछ इसकी वजह से आपको जो शेड्यूल है वो लिमिटेड देना पड़ेगा, तो मैं आप टाइमिंग आपको फिक्स कर दूंगा उसके रिगार्डिंग, मैसेज कर दूंगा उसमें, और थोड़ा वेट करिएगा, तुरंत प्रॉम्प्ट अगर आप अभी ढूंढ रहे हो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है कुछ, बाकी मैं चैट में तो लिख ही रहा हूँ, कॉल वॉल प्रॉम्प्ट कॉल थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा। राइट, मैसेज हैं काफ़ी सारे, तो आप इसको कैसे अवेल कर सकते हो, टेलीग्राम पर मुझे पर्सनल मैसेज कर दीजिए, कई लोग ग्रुप में भी मैसेज करो तो लोगों को डिस्टर्बेंस भी होता कई बार, तो जिनको चाहिए वो आप मैसेज कर सकते हो, छोटा मोटा डाउट है तो आप वैसे लिख दो, यूट्यूब कमेंट में तो सारे कमेंट के रिप्लाई कर पा रहा हूँ मैं,
तो आपको कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आते हैं कम उस पर कट ऑफ के पहले। तो देखो कट ऑफ से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दूँ। देखो कट ऑफ निकालने से पहले बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। पहले तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 19 वाला, देखो कोई चीज़ आप जब कोई भी चीज़ देख सुन रहे होते हैं ना, तो आपके दिमाग में पीछे की चीज़ें चल रही होती है, उनको लेके आप करोगे चीज़ें, बढ़ोगे आगे, तो नहीं हो पाता। बाकी मेरा जो रहा एक्सपीरियंस आप देखे हो भाई, लास्ट 2-3 कट ऑफ जो आपने देखा है, चीज़ें टाइम के साथ बदलती रहती है। सीजल देखो डबल ए और जेएसओ एक ऐसी पोस्ट है जिसका कोई भी प्रेडिक्ट जल्दी नहीं करता। रीजन इसका यही जो 19 में हुआ था। आप कहोगे वेरिएशन बहुत ज़्यादा हो गया था, कुछ चीज़ें थी, कुछ फैक्टर्स थे जो मैंने कंसिडर नहीं की, बाद में अपडेट करने का टाइम ही नहीं बचा। चक्कर ये था कि 19 में इतने ज़्यादा कॉल्स और पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज में मैं बिजी हो गया कि वो चीज़ एडिट करने का टाइम नहीं मिला मेरे से। एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, मैं मानता हूँ, फिर मैं अब फिर आपको जस्टिफाई करने का मेरे पास समय नहीं था, राइट। तो एक वो वजह था। चलो अब हम बात करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का, क्या चीज़ें पकड़ी गई हैं, ध्यान से समझिएगा। सीजीएल 16, 18 और 19, 17 नहीं लिया गया, जेएसओ में वैकेंसी 50 थी, तो कोई मतलब नहीं बनता। 20 का भी आपका आना है, तो 700 के आसपास वैकेंसी। देखो अप्रॉक्स इसलिए क्योंकि आपको एग्जैक्ट नंबर के लिए ऐड करके मैंने कहा ना, हॉस्पिटल में होते एकदम एग्जैक्ट ऐड करके नंबर लिख पाना टाइपिंग का टाइम नहीं था। आप आइडिया लगा सकते हो कि लगभग कितनी वैकेंसी थी, आप देख लीजिएगा जा करके। 300 वैकेंसी के आसपास थी 18 में, 250 वैकेंसी सीजीएल 19 में थी जेएसओ के अंदर, 274 हो सकती है इसकी। ये मैंने एक रफ आइडिया ले लिया आपको समझाने के लिए। अब ये जो नंबर लिखे ये मैं आपको समझाता हूँ, ये क्या चीज़ें हैं और क्या मतलब है इसका समझाता हूँ। देखिए सीजीएल 16 की जो लास्ट पोस्ट थी, जो TACBIC, मैं फिर बोल रहा हूँ ध्यान सुनो, जो लास्ट पोस्ट थी TACBIC की, राइट, उस कट ऑफ से जिसके 50 नंबर ज़्यादा थे, राइट, उसको ये मिल गया जेएसओ की पोस्ट, 700 वैकेंसी थी, राइट, और 25 नंबर ज़्यादा जिसके थे, 25 नंबर, ये 25 नंबर एक्चुअल में मैंने जो लिखा ये माइनस में है, 25 नंबर कम UR से OBC का गया था, 80 नंबर कम, ये प्लस वाला माइनस में है, UR से SC का गया था, और SC ST के बीच में, SC और ST का जो मार्क्स था उसके बीच में 30 नंबर का गैप। ये मैं आपको गैप का, अगर मेरे पिछले लास्ट ईयर वीडियोस अगर आप देखते हो तो आपको समझ में आएगा कि यार गैप ये जो चीज़ें चलती है SSC में प्रीवियस ईयर का बहुत ज़्यादा ये मेंटेन करके रखते हैं। आप हर साल देखोगे कि गैप का जो कॉन्सेप्ट रहता है ऑलमोस्ट आपको सेम ट्रेंड नज़र आ जाएगा। वैकेंसी घटती बढ़ती है तो ये गैप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन आप ये जो कैटेगरी वाइज जो गैप रहता है आपको वो आपको दिख जाएगा। लास्ट कट ऑफ में आपको चेंजेस दिख जाएगा, लेकिन जो कि गैप नंबर ऑफ स्टूडेंट के बीच का जो मार्क्स का गैप रहता है ये आपको लगभग एक ट्रेंड दिखाई देगा। सिमिलरली अगर हम सीजीएल 18 में चले जाएँ, 300 वैकेंसी थी, 80 नंबर, में फिर बता रहा हूँ क्या था लास्ट एक कट ऑफ पोस्ट लेने के लिए जो TACBIC का होता है उससे अगर किसी के 80 नंबर ज़्यादा थे तो उसको जेएसओ की पोस्ट ऑप्ट हो गई। UR और OBC के बीच में कोई गैप नहीं था। मैं रीज़न बताता हूँ उसका कि वैकेंसी बहुत कम थी 18 में जेएसओ की OBC के अंदर, इसलिए बहुत कम होने की वजह से ऑलमोस्ट सेम चली गई आपकी, बहुत वैकेंसी कम। आप देख लीजिएगा 80 नंबर कम था जो कट ऑफ SC की गई थी, वो UR की जो कट ऑफ थी उससे, और 30 नंबर का गैप आपको दिख जाएगा SC और ST के बीच में। अब हम बात कर लेते हैं 19 में, सेम चीज़ वही है कि लास्ट कट ऑफ से 80 नंबर SC और OBC और UR के बीच में 25 नंबर का गैप, यहाँ 100 नंबर का गैप, यहाँ पर आपको SC और ST के बीच में 30 नंबर का गैप। कुछ चीज़ें सेम आपको दिखाई दे रही होगी, SC ST का गैप दिख रहा होगा सेम आपको, ये जो 16, 18 और 19 में दिख रहा होगा गैप, एक जगह 60 फिर 80 80। तो आप एक चीज़ नोटिस करिएगा कि वैकेंसी देख लीजिए आप, 18 और 19 में ऑलमोस्ट सेम जैसी वैकेंसी थी, 274 के आसपास थी 18 वाले में और ऐसे 19 में, तो आप देख रहे हो कि लगभग गैप सेम चल, यही कॉन्सेप्ट रखा गया है। बाकी ये भी देखा गया है कि कितने लोग लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में कॉमन है, वो सब कुछ एनालिसिस करके, और ये वैकेंसी जो 401 वैकेंसी रिपोर्ट करी गई इसको भी ध्यान में रख के जो कट ऑफ बताई गई है, क्योंकि 274 18 और 19 में थी 300 के आसपास, तो मेरे अकॉर्डिंग देखो ये आपकी कट ऑफ गई है। आप इसके हिसाब से जो मुझे लगता है कि जो कट ऑफ जा सकती है, प्लस 60 का मैंने लिया है, 80 का नहीं लिया है। रीज़न उसका यही था कि आपका वैकेंसी इस बार ज़्यादा है, आपका वैकेंसी ज़्यादा है तो ये कट ऑफ जो गैप है लास्ट से मैंने जो उम्मीद लगाई है 524 की रेंज में अगर आप होते हो तो TA की पोस्ट मिल जाएगी, कट ऑफ डाल रखा है मैंने उसके रिगार्डिंग, तो उसके आसपास आप देखोगे 60 नंबर लगा के इस रेंज में आपको JSO की पोस्ट मिल सकती है। आपको जो भी लग रहा हो दिमाग में अभी यार वो ठीक है, गैप रखा गया है 20 नंबर का OBC और UR के बीच में, गैप रखा गया है UR और SC के बीच में लगभग 60 नंबर का। रीज़न उसका ये है वैकेंसी काफ़ी कम है, ये एक रीज़न रखा गया है उसके बीच में, और SC ST के बीच में कोशिश करा गया है कि 30 नंबर का जो गैप का है वो मेंटेन करा जाए, राइट।
अच्छा, EWS का बता दूं मैं आपको, EWS की वैकेंसी काफ़ी कम है, तो 5 नंबर लगभग ज़्यादा हो सकता है या लगभग सेम ही रह सकता है OBC के आसपास, जो कम था लास्ट 19 वाले में 10 नंबर के आसपास आपको कम दिखेगा। लेकिन रीज़न इस बार आपको दिखेगा, दो रीज़न है, पहला तो वैकेंसी कम है, दूसरा जो सर्टिफिकेट का इशू था वो अब नहीं दिखेगा, कई कैंडिडेट ने बनवा रखे हैं पहले से दिक्कत देखते हुए। तो राइट, WO की जो कट ऑफ है उस पर हम पहुँचने से पहले कुछ बातें बता दें आपको कि अगर आपका लिस्ट 1 में नाम है तो आप एलिजिबल हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कॉमर्स पढ़ा होना जरूरी है, अकाउंटेंसी पढ़ा होना जरूरी है, अगर आपके पास सिंपल ग्रेजुएशन है और लिस्ट 1 का कट ऑफ क्लियर की हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। इसकी दिक्कत ये रहती है कि इसकी स्टेट वाइज पहले से नहीं पता रहती है, आप चाहे AG ऑफिसेस में पता करा लो अपने एंड से तो ये पता लग पाएगा कि रिपोर्ट यहाँ से हुई है कि नहीं हुई है। जैसे बिहार से अभी ऑडिटर की रिपोर्ट नहीं करी गई है AG ऑफिस से, लखनऊ से बात करें तो UP से आपके WO की वैकेंसी भेजी गई है, CAG की ऑडिटर की भेजी गई है, तो आपको ये AG ऑफिस से पता कराने पड़ेंगे। राइट, तो इतना मुश्किल होता है कि यार इतनी जल्दी आसानी से बताते नहीं, तो पता नहीं रहता। और वैकेंसी या लोकेशन भी बड़ा ख़तरनाक जगह आता है, आप एलोकेशन लिस्ट देख सकते हो, 19 का आया नहीं है, 18-17 तो आपको आइडिया लग जाएगा लोकेशन का, तो एक ये थोड़ा सा रहता है। दूसरा ये कि यार ये 4800 ग्रेड पे की होती है, तो कई लोग जो मुझसे डिस्कशन करते हैं पोस्ट प्रेफरेंस का, अगर उनके पास 2800 और WO भरने का रहता है, 2800 में अगर होम पोस्टिंग भी मिल रही है तो, लेकिन लोग सैलरी की वजह बेस पे मूव करने को रेडी रहते हैं, ऐसे जो फर्स्ट टाइमर रहते हैं वो तैयार रहते हैं, कहीं भी काम कर लेंगे, सैलरी बहुत अच्छी मिल रही है, तो ये भी ध्यान, तो इसको ध्यान में रख के मैं आपको कुछ डेटा दे रहा हूँ। CGL 17 CGL 16 नहीं लिया गया, 16 में वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी, 1000 के आसपास थी। CGL 17 का भी डेटा कुछ इसी वजह से नहीं लिया गया आपका, वैकेंसी की वजह से, मैंने 18 और 19 को पकड़ा है और अभी लेटेस्ट का ट्रेंड है, तो इसलिए आपको समझना पड़ेगा। ये 150 कट ऑफ गई है एक लास्ट TA CBIC के बाद से एक WO की पोस्ट ऑप्ट करने के लिए। राइट, अच्छा, CGL 18 में 11000 वैकेंसी थी, इस वजह से आपको ये गैप थोड़ा ज़्यादा दिख सकता है लास्ट कट ऑफ और उसके बीच में WO की पोस्ट लेने के लिए। फिर मैं बोल रहा हूँ 35 नंबर का गैप देखा गया था OBC और UR के बीच में, 70 नंबर का गैप देखा गया था लगभग SC और UR के बीच में, और SC और ST के बीच में 20 नंबर का गैप देखा गया था। लास्ट कट ऑफ का मतलब है एक TA CBIC की पोस्ट लेने का जो बात होती है उसकी बात हो रही है। 19 में ये कहानी रही थी आपके सामने जो लिखा हुआ है, वैकेंसी का गैप इतना कम था, और दूसरा ये था वैकेंसी थोड़ी घट भी गई थी, ये भी रीज़न था आपका, इस वजह से जो लो कट ऑफ था वो ऊपर चढ़ जाएगा, लो कट ऑफ ऊपर चढ़ने की वजह से आपको गैप दिखेगा कम। इसके बेसिस पे जो कुल मिला के एनालिसिस निकाला गया, उससे पहले एक चीज़ और ध्यान में रखा गया, ये वैकेंसी ये करीब 250 वैकेंसी रिपोर्ट करी गई है, UR की वैकेंसी देखिए 103 है, कट ऑफ ये निकाला गया, इसमें 219 से ऊपर 625 से ऊपर 219 तो केवल UR के कैंडिडेट हैं, बाकी सबको जोड़ोगे EWS जो इस कट ऑफ को क्लियर किए हुए तो 400 प्लस आपको मिल जाएंगे। राइट, 400 के आसपास, 400 में से आप मानिए कि कुछ कैंडिडेट आपका उसमें बाकी 4600 की तरफ मूव करेंगे, हम ऐसा कैंडिडेट मान लेते कॉमन कैंडिडेट 100 है तो भी आपके 300 बचते हैं। अब 300 में से अगर आप बात करोगे, क्योंकि बाकी आप कोई और पोस्ट लेगा नहीं, क्योंकि और दूसरी पोस्ट 2800-2400 की तरफ मूव नहीं करेंगे वो लोग, तो 103 लाने के लिए मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रह सकती है वो कट ऑफ से, अगर आप लास्ट कट ऑफ से जो 625 डिसाइड करी गई, 24 के आसपास डिसाइड करी गई है, उससे अगर आप 125 से 130 नंबर्स फालतू रखते हो, ज़्यादा रखते हो, जो आप देख रहे हो 115 और 150, मेरे हिसाब से इतना रेंज रहेगा तो आपको UR कैटेगरी के अंदर WO के पोस्ट मिल सकते हैं। अब आपके हिसाब से लग सकता है ये बहुत कम है, 690 से कम नहीं जाएगा, 700 लिख लो, ठीक है यार हो जाएगा, मैं मानता हूँ, मैं नहीं बोल सकता इसके बारे में। और एक बात आप जानो कि WO अगर आपको पोस्ट Tier 1 में क्लियर है और आपके 4600 के लायक मार्क्स नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, आपके पास एक यही पोस्ट लेने का है, और अगर लोकेशन फंसेगा और आपको बाकी दूसरे स्टेट में काम करने में दिक्कत होगी तो आपको दोबारा एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, तो इसलिए ज़्यादा बहस करने की इस पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है, GSO के बाद कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप उसको भर दीजिए, आगे प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। आपको पता है कि कुछ दिक्कतें हैं, लोग ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, पोस्ट सारी ठीक है, नौकरी सबकी ज़रूरी, लेकिन जब नौकरी लग जाती है तो चीज़ें बदल जाती, कहानी अलग हो जाती है। 2 दिन से जो कॉल अटेंड कर रहा हूँ मैं, मैक्सिमम उसमें 50% लोग वर्किंग है, आप जान के भी हैरान होंगे कि यार काम करने वाले लोग फ़ोन कर रहे हैं, वर्किंग है उसमें, इस बार तो लग ही रहा है कि वर्किंग ज़्यादा है आपको, करीब मैंने अभी 15 कॉल अटेंड करे हैं लोगों से पोस्ट प्रेफरेंस में, उसमें से 5 या 6 लोग मान के चलिए कि सिर्फ वर्किंग में है और CGL मतलब SSC CGL के थ्रू ही लगे, कोई 17 में लगाए, कोई 18 में लगाए, 16 में लगा हुआ है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखने की है। बाकी कैटेगरी वाइज आप देख लीजिएगा, कट ऑफ को लेकर के कोई डिस्क्रिप्शन हो सकता है आपको, आप लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में, लेकिन ठीक है आप थोड़ा ध्यान से रखिएगा चीज़ों का, और पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग पेड सर्विस ले लीजिए, धीरे धीरे करके आप तक मैसेज पहुँचता रहेगा। कंबाइंड PDF स्टेट वाइज वैकेंसी की मैं आप तक जल्दी पहुँचा दूँगा, कल से खाली होता हूँ तो
कोई भी डाउट है मुझे टेलीग्राम पे लिखिएगा।